आज हम जानेंगे कि यदि आपको अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर अगर डिटेक्ट होता है स्टेज वन या स्टेज टू तो वो कम्प्लीटली क्योरेबल ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप टाइमली ब्रेस्ट कैंसर सर्जन के पास जाकर उसका इलाज करवाएं, उसका ट्रीटमेंट तुरंत ही स्टार्ट करवाएं। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट इज़ सर्जरी। स्टेज वन या स्टेज टू ब्रेस्ट कैंसर में फर्स्ट ट्रीटमेंट हमेशा सर्जरी होता है। इसमें आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी यानी ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी करके कैंसर को निकाल सकते हैं और क्योर हो सकते हैं। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे कॉमन सर्जरी होती है ब्रेस्ट लंपेक्टमी विथ एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन या सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी। ब्रेस्ट लंपेक्टमी में हम सिर्फ ट्यूमर को निकालते हैं, उसमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। और साइड में हम साथ में एक्सिलरी डिसेक्शन भी करते हैं जिसमें साइड में या आर्म पिट में छोटा सा इंसिजन रख के साइड के लिम्फ नोड्स सारे क्लियर करने होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए। यदि ब्रेस्ट कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो उसमें हमें पूरी छाती या मैस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ भी अर्ली सिम्टम जैसे कि गांठ डिटेक्ट हुई है तो आप तुरंत ही ब्रेस्ट कैंसर सर्जन के पास जाकर ब्रेस्ट लंपेक्टमी या एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करवा सकते हैं। वो पेशेंट्स जिनमें ब्रेस्ट लंपेक्टमी होती है उसमें आगे जाकर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या हार्मोनल ट्रीटमेंट या ट्रांसट्यूजुमैब इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू सो मच।